नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लाठीवाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और आज हम पहुंचे हैं रेवाड़ी जिला के अंदर गांव मोतला कला में भाई नवीन के पास, और उनके पास है लक्की, और लक्की बहुत ही फेमस डॉग है। बुल्ली कुत्ता लक्की का जो है कैनल दिखाने जा रहे हैं और लक्की को दिखाने जा रहे हैं। और दोस्तों ये है लक्की, और ये लक्की का कैनल है, बहुत ही खुला हवादार और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। नवीन जी, इसके बारे में बताएं, ये कौन सा डॉग है आपके पास? ये लक्की का बच्चा है भाई साहब। अच्छा अच्छा, क्या एज है जी इसकी? इसकी 2.5 साल एज है। अच्छा, 2.5 साल का हुआ है अभी। और मदर के बारे में, इसकी? इसकी मदर डायरेक्ट शेरू की बेटी थी। ठीक है जी, शेरू की बेटी थी। और ये 2.5 साल का बच्चा है जी लक्की का, बहुत ही खूबसूरत। नवीन जी, इस पप्स के बारे में बताओ, कौन सी ब्लड लाइन का है? सर, ये अपने लक्की का बच्चा है, 4 मंथ एज है इसकी। और ये इसकी माँ थी वो भाई अमरवीर वाला टाइगर है, उसकी डायरेक्ट बेटी थी इसकी माँ है जो। जी, बहुत अच्छी ब्लड लाइन है। हाँ सर। नवीन भाई साहब, बहुत अच्छा डॉग है ये, इसके बारे में बताओ, इसकी एज क्या है और ब्लड लाइन कौन सी है? सर, इसकी ब्लड लाइन, इसका बाप F7 है जो इंपोर्ट हुआ था, और इसकी माँ है अपने दत्तू वाले टाइगर की बेटी है इसकी माँ। इसकी उम्र है सर 17-18 मंथ है इसकी एज। 17-18 मंथ है। हाँ सर। दोस्तों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ब्रीडिंग के अंदर नवीन भाई साहब, और काफ़ी डॉग्स आपको दिखाए हैं इनके पास, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लड लाइन के डॉग हैं, और देख के बहुत खुशी हुई, और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। भाई साहब, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं जरा कि आपको डॉग्स का शौक है वो कब से है, और इंडियन मैस्टिफ का जो शौक़ है आपको वो कब से है? सर, डॉग का शौक़ हमारे अंदर पुराने टाइम से ही है, काफ़ी सालों से हम डॉग रख रहे हैं। ये धीरे धीरे फैमिली के देखते देखते मेरे अंदर भी शौक जाग गया। पहले मैं सर जर्मन के लैब्रा के रोटविलर के रखता था। हाँ जी। लेकिन 2008 से मैं बुल्ली मैस्टिफ पालने लग गया, अपने इंडियन मैस्टिफ। हाँ जी, हाँ। ये डॉग मुझे काफ़ी पसंद आया, इसलिए मैं अब लगातार बुल्ली ही रखता हूँ सर। नवीन भाई साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि सबसे पहले आपने जो ये इंडियन मैस्टिफ बुल्ली कुत्ता ये देखा कहाँ पे, किसके पास देखा था जो आपको इस चीज़ का शौक लगा हो? सर, सबसे पहले मैंने बुल्ली डॉग अपने भाई हरिमोहन नारनौल के अंदर उसका बच्चे देखे थे मैंने। अच्छा, सबसे अच्छा, पहले 2008 में मैं उसके बच्चा लेकर आया था, उसका बच्चा सफेद कलर का था। लेके आए थे? हाँ सर, 2008 हाँ, पहली बार मैं उनसे लेकर। यानी कि 10 साल हो गए तकरीबन आपको ये? हाँ, लगभग 10 साल हो गए सर मुझे बुल्ली रखते हुए। तो नवीन भाई साहब, आपके पास जो लक्की डॉग है जो अच्छा है, ये हमने देखा बॉडी स्ट्रक्चर का और का हेल्थ का, और इसकी फिटनेस है जो वो बहुत अच्छी है, तो ये आपने कहाँ से लिया? हाँ सर। और कैसे इसको आप तैयार कर रहे हैं, रख रहे हैं, वो बताएंगे जरा इसकी ब्लड लाइन के बारे में, एज, हाइट, लेंथ के बारे में? सर, ये मैंने लिया अपने भोलू भाई साहब के पास था सूर्यवाड़ा में। हाँ जी। वहाँ सर मैं अपनी एक कुतिया मैट करवाने के लिए ले गया था जब मैंने पहली बार लक्की देखा था। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी लोगों से सुना बहुत अच्छा डॉग है, तब मैं भोलू भाई साहब से ख़रीद के लाया था। अभी इसको लगभग 1 साल हो गई मेरे पास इसको। मैं भी एक बार इसको स्पेशल देखने के लिए गया था, बहुत अच्छा डॉग, लक्की का बहुत नाम है। और तो इसकी हाइट और लेंथ एज के बारे में बताओ जरा आप। सर, इसकी हाइट है 32+ है। 32+? हाँ सर। और इसकी लेंथ है सर 45-50 के समथिंग इंच के। अच्छा। और इसकी है सर 5.5-6 साल के लगभग है। अच्छा, 5-6 साल का हो? हाँ, 5-6 साल का हो रहा है सर ये। नवीन जी, आप ये बताएं हमारे दर्शकों को भी, आपने इतना अच्छा डॉग रख रखा है लकी, तो आपके पास काफ़ी इसकी मैटिंग की रिक्वायरमेंट भी आती होंगी, तो इससे कोई बच्चे प्रोड्यूस हुए हैं तो बताएं आप, और कौन कौन सी फीमेल आपने इससे मैट करवाई है?
सर इसके काफ़ी मेटिंग आती है इसकी, मैंने काफ़ी बच्चे प्रोड्यूस किए हैं इससे। शेरू की लाइन की सर मैंने इससे काफ़ी मेटिंग करवाई है, बाकी अपनी इंपोर्ट लाइन है जो उनकी भी लगभग करवाई है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका सर, इसके बच्चे बहुत ही हेल्दी बनते हैं और ये बहुत ही फ्रेंकली डॉग है, लक्की बिल्कुल फ्रेंकली है ये। और नवीन जी ये बताएं कि ये फैमिली के अंदर जैसे आप यहाँ पे खेत में रह रहे हो, ठीक है, तो फैमिली के अंदर कैसा है ये डॉग? सर बिल्कुल ये अपने परिवार के सदस्य की तरह रहता है सर, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ये जैसे मैं खेतों में रहता हूँ यहाँ पर ये खुला घूमता है, किसी को कुछ नहीं कहता सर। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कैसा है ये? बहुत अच्छा है सर, ये घर में किसी को नहीं घुसने देता, बाकी जैसे खेत में घूमता है तब किसी को कुछ नहीं कहता है। अच्छा, खेत में खुला घूमता है तो किसी को कुछ नहीं कहता? हाँ सर, दोनों टाइम खुला घूमता है। ठीक है ठीक है, तो इसकी डाइट वगैरह के बारे में आप इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या खिलाते पिलाते हो इसको, ये इतना हेल्दी बना रखा है थोड़ा थोड़ा? सर इसी डाइट में सर ये चिकन व दूध दही मक्खन हमने सब खाता है सर ये। तो आप डिटेल में बताएंगे जरा, सुबह क्या देते हो और शाम को कैसे देते हो आप खिलाते हो? सर सुबह इसको दही वगैरह देता हूँ, दोपहर में पनीर। अच्छा जी। और रात को सर इसको चिकन देता हूँ। और नवीन भाई साहब अपने लकी की एक्सरसाइज के बारे में हमारे दर्शकों को बताओ जरा, कैसे करवाते हैं आप? सर लकी मैं तो खेतों में रहता हूँ सर, इसलिए दोनों टाइम इसको दो दो घंटे फ्री छोड़ता हूँ सर। अच्छा, खेत में अपने आप खेलता कूदता? हाँ सर, ये अपने आप खेलता कूदता रहता है ये। अच्छा, दो घंटे सुबह दो घंटे शाम को सर। सुबह कितने बजे इसको खुला छोड़ देते हो आप? सर 4 से 6 बजे तक खुला छोड़ता हूँ सर। 4 से 6 सुबह? हाँ सर। और शाम को? शाम को सर 5 से 7 के बीच। इसकी अपनी ऑटोमेटिक एक्सरसाइज हो जाती है? हाँ सर, ऑटोमेटिकली अपने इधर घूमता रहता है घर के पास, भागदौड़ करता रहता है। हाँ सर, खुले मैदान है, ग्राउंड है। हाँ सर। सर इसके लिए मैंने 2 किलो में अब बगीचा लगाया, 2 एकड़ जमीन में। हाँ, और इसके चारों तरफ जाली लगा दी, चार दीवारी कर दी सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर इसलिए ये है कि अभी इसका दिल करेगा ये जितना घूमे फिरेगा कोई दिक्कत नहीं है। और उसी के अंदर इसका कैनल है, जब दिल करेगा उसी के अंदर सर इसका कैनल बनाया बिल्कुल नया। इसका दिल करेगा जब उसमें आ जाएगा, हर दिल करेगा जब बाहर घूमेगा। नवीन जी आप इसकी जो वैक्सीनेशन के बारे में बताए भी आपने, कब करवाई है, डीवॉर्मिंग है जो वो कब की है और कौन सी टेबलेट से की है, ताकि हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी? सर इसकी मैं वैक्सीनेशन हर महीने इसके सर मंथली चेकअप करवाता हूँ इसका पूरा सर, डॉक्टर आके चेक करके। हाँ सर, इसकी डॉर्मिंग सर हर 3 महीने में करता हूँ मैं, डोंटर प्लस की टैबलेट देता हूँ इसको सर। बाकी इसकी सर जो भी रेबीज वगैरह की इंजेक्शन है कोई वो है सब टाइम टू टाइम लगवाता हूँ सर। ठीक है, डॉक्टर साहब आते हैं वो देख के उस हिसाब से, कार्ड बना हुआ है वो? हाँ कार्ड बना हुआ है सर, डॉक्टर साहब उसी हिसाब से अपने आप लगा। तो नवीन भाई साहब आप हमारे दर्शकों को चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सर अपने दोस्त भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पप्पी लेते हुए उसके मदर फादर की लाइन देखे जरूर। हाँ जी। और सस्ते के चक्कर में ना फंसे, गलत लाइन ले लेते हैं लोग बाग, धोखे धड़ी में फंस जाते हैं कई बार सर, तो इसमें ना फंसे और सब अपने मिलजुल के एक परिवार की तरह रहे। जो भी डॉग पालते हैं अपने दोस्त भाई, इनके पीछे कोई आपसी मन मुटाव ना करे और अपनी एक फैमिली की तरह रहे, सबसे मिलजुल कर रहे हैं सर। नवीन भाई साहब आपके हमारे चैनल के बारे में क्या व्यूज हैं? सर आपके चैनल के बारे में मेरे बहुत ही पसंद करता हूँ आपके चैनल को सर, आपके चैनल पे सर मुझे काफ़ी जानकारी मिली है सर। हाँ जी, काफ़ी अच्छे अच्छे लाइन के डॉग देखने को मिली है, मुझे भी पता चला है थोड़े रख रखाव के बारे में भाई, जैसे नहीं पता था सर कुछ बातों का, उन बातों की मुझे भी जानकारी मिली है, जैसे दूसरे अपने दोस्त भाइयों से सुन के आपके इंटरव्यू में उनसे मुझे भी कुछ नई जानकारी मिली है सर, तो इसलिए आपके चैनल पर सर बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिली है। और मैं चाहता हूँ जो भी डॉग रखते हैं डॉग, जो भी दोस्त भाई हैं अपने सर, आपके चैनल को ज़रूर देखें, जानकारी मिल जाती है सर, पप्पी पप्स को कैसे तैयार करें, बड़े डॉग को क्या क्या खिलाएं, कैसे उसकी तैयारी करें सर, क्योंकि उसकी फिटनेस के बारे में भी सर काफ़ी जानकारी मिल जाती है आपके चैनल से सर। मेरे से भी अच्छे अच्छे ब्रीडर हैं सर, उनसे भी मुझे इस माध्यम से उनकी भी जानकारी मिली है, उनको जानने लगा हूँ मैं सर, उनके पास इतने इतने अच्छे डॉग हैं सर। और मैं तो ये चाहता हूँ सर आपके चैनल को सर हर आदमी देखे, जो भी डॉग रखता है बुल्ली इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैनल को सर हर आदमी देखे सर। तो अब आप कैसा फील कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, आप लोग मेरे घर आए सर, मैं तो खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को, आपने टाइम निकाला सर हमारे लिए और हमारे घर पर पधारे सर। जरा हमारे दर्शकों को बताओ, जैसे कि आप बहुत सारे डॉग रखे हैं आपने, हाँ जैसा कि हमने देखा है, तो आप इतने डॉग्स को कैसे रखते हैं अकेले?
सर मेरे काफ़ी दोस्त है सर, हमारा ग्रुप है जो मुझे बढ़ावा देते हैं सर इस काम में। सबसे ज़्यादा सर मेरा एक दोस्त है सर राजू धकोरा गांव का सर, उसने सबसे पहले मुझे इस लाइन के बारे में काफ़ी जानकारी दी। अच्छा। उसके बाद सर मेरा दोस्त है राहुल है सर, अमित है, विशाल है सर, हमारा एक ग्रुप है सर, ये काफ़ी मेरे दोस्त है सर, ये फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स जो हैं। हाँ सर, ये मुझे सपोर्ट करते हैं सर पूरा।